रन्नौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नवविवाहिता के साथ शादी से पहले और ब्लैकमेल कर शादी के बाद दुष्कर्म करने वाले युवक के आरोपित सलमान खान के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले सिर्फ छेड़छाड़ का ही केस दर्ज किया था, लेकिन गुरुवार को जब हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा तो पुलिस ने पीड़िता के एक बार फिर बयान दर्ज कर मामले में दुष्कर्म की धाराओं में इजाफा कर दिया है। जानकारी के अनुसार रन्नौर थाना क्षेत्र की एक 20 वर्षीय युवती की शादी 9 जुलाई को हुई थी। शादी से 5 दिन पहले 4 जुलाई को गांव के ही युवक सलमान खान ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। युवती शादी टूटने के डर और परिवार की इज्जत की खातिर शांत रहकर इस घटना को दबा गई और उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। 9 जुलाई को पीड़िता की शादी हो गई और शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई। 16 जुलाई को वो वापस अपने मायके आई और 17 जुलाई को गांव के हैंडपंप पर पानी भरने गई तो वहां पर आरोपी सलमान खान आ गया और नवविवाहिता को खींचकर पास वाले बाड़े में ले गया और वहां उसने पीड़िता को बदनाम करने और माता पिता की हत्या करने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले की शिकायत 23 जुलाई को पीड़िता ने रन्नौर थाने में दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देने के साथ ही 24 घंटे में दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की चेतावनी दी। इस पर एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश पर एसडीओपी विजय यादव ने पीड़िता के बयान दर्ज कर दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की रिपोर्ट। मेरे साथ ना उसने बहुत गलत कार्य किया है। किसने गलत किया है? सलमान ने। क्या किया है गलत? रेप किया मेरे साथ में, वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती क्यों? आप आपके पति वगैरह कहाँ थे? मेरे पति ना ससुर में शादी हो गई मेरी। तो क्या वो आपको पहले से ही परेशान करता था? हाँ। कैसे परेशान करता था? मुझे ब्लैकमेल करता था। किस प्रकार से ब्लैकमेल करता था? धमकाता था मुझे, धमकी देता था। कैसी धमकी देता था? तेरे बाप पे मार डालूंगा, तेरे भैया मार डालूंगा, पूरे घर वाले में मार डालूंगा। तो रेप क्या घर में आकर किया था? नहीं। तो बाहर हेडपंप पे पकड़ के ले गए थे जबरदस्ती। तो वहाँ लोग नहीं थे, जनता नहीं थी वहाँ पर? कोई था नहीं, नहीं था। वो कलुआ की वाकर में हाथ पकड़ के ले गए थे मुसलमान की वाकर में। ये कौन है कलुआ? मुसलमान वही का, उसका दोस्त वगैरह है। हाँ। तो उसने रोका नहीं, कुछ बोला नहीं? नहीं रोका। कि उसने और उसको सपोर्ट किया था? हाँ सपोर्ट किया था। कब की घटना है? 4 तारीख की। 4 तारीख। तो कौन सा थाना लगता है? रन्नौर थाना। शिकायत करने गए थे आप? हाँ गए थे। क्या हुआ फिर वहाँ? उन्होंने सुनी नहीं है कुछ, वो मैम ने लेडीज पुलिस आई थी ना। FIR वगैरह नहीं हुई? नहीं हुई। मेडिकल वगैरह तो हुआ ही नहीं होगा? नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? कराना चाहती हूँ, इंसाफ चाहिए मुझे। कब से परेशान कर रहा था वो तुम्हें? मेरी शादी करने के बाद, मेरी शादी हो गई 9 तारीख की, फिर भी ब्लैकमेल करता है। कौन सी 9 तारीख को? 9 तारीख को। परेशान शादी के पहले से कर रहा था या फिर अभी से? शादी के पहले से। ये उसका भाई है, पूरी जानकारी है। हमारी एक बहन के साथ एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा दबाव बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना कारित हुई। संबंधित थाने में रिपोर्ट करने पर प्रशासन की लापरवाही से वहां छेड़छाड़नी का मामला दर्ज किया गया है, जबकि उपरोक्त मामला बलात्कार का मामला है, इसमें बलात्कार की FIR होनी चाहिए, लेकिन वो FIR अभी तक नहीं हुई। ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी, इसकी शिकायत करने हम माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास आए हैं। शिवपुरी में यह सब पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले समय भी शिवपुरी में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक धानुक परिवार की लड़की की हत्या की गई और उस मामले में भी पुलिस ने उस घर को डिस्ट्रॉय करने की बात हमसे कही थी, वो आज तक नहीं की गई और ऐसा निरंतर चलता रहा, तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। परसों करेरा की बताओ। करेरा में भी परसों घटनाक्रम ऐसा हुआ, ऐसी घटनाएं निरंतर शिवपुरी जिले में हो रही हैं। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी से आग्रह करूंगा कि इन मामलों में सख्ती से कार्रवाई करें जिससे ऐसी घटनाएं आगे से ना हो। अगर FIR नहीं होती अभी आपने बताया बलात्कार की, तो फिर आप क्या करने वाले? अगर कल तक FIR नहीं हुई तो हम रन्नौर थाने के सामने रन्नौर थाने का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, इसमें पूरे मैं परिवार के साथ रहेगा।